तो ऐसे कैसे आप सभी लोग, हम आपका स्वागत करते हैं अपने कोई नए गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग दोबारा खेलने जाए माइनक्राफ्ट, और आज की वीडियो में हम लोग टेक्नो गेमर्स यानी उज्जवल भाई का कास्टल ओम का पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस चलते हो एक्सप्लोर करते हैं टेक्नो भाई के वर्ल्ड को। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इनके कास्टल में, और लास्ट में हम आपको 20 मिलियन सरप्राइज भी दिखाएंगे, वैसे शायद गाइस अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो ये है उनका सिंहासन जो कि पूरा का पूरा हेड से बना, जैसे क्रीपर स्केलेटन एंड भी हेड्स हैं, और बहुत कुछ यार नेदर के सामान भी यूज हुए। ये टेलीपोर्टर ब्लॉक है, और ये इनका सिंहासन है, और ये है उनका रूम जो कि स्टोर रूम एज अ स्टोर रूम। और यहाँ पे बहुत कुछ है, और ये है उनका स्टोर रूम कह सकते हैं आप लोग एक तरीके से। और ये जो है गाइस, ये आप लोग सोचे होंगे ये है क्या चीज़। तो गाइस यही है 20 मिलियन सरप्राइज जो कि हम थोड़ी देर में आप लोग के सामने रिवील करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये स्टोर रूम है उनका, पहले हम आपको पूरा दिखा देते हैं। और जी गाइस पीछे विलेज है इसका पूरा, मतलब कि एक टाइप से उनका हाउस है जहाँ पे टेक्नो भाई ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे शायद अभी आई थिंक एक भी विलेजर नहीं है, सब मर गए हैं क्योंकि उनने अपना गेट खुला छोड़ दिया था जिससे जॉम्बीज जाके उनको मार दिए। वैसे हम आपको इसको एक्सप्लोर करवा सकते हैं, तो जल्दी चलते हैं और एक्सप्लोर करवाते हैं आपको। तो ये पूरा मतलब कि एज अ विलेजर्स के लिए था ये पूरा, यहाँ पे ट्रेडिंग था और लैब जो साइंटिस्ट थे आई थिंक और भी सबके लिए था, और नीचे उनका रहने का था, ये उनके रहने का मतलब कि पूरा व्यवस्था था। यहाँ पे बहुत सारे बेड्स थे एंड बहुत कुछ। गाइस ये जो रास्ता है ये सीधे कास्टल में एंटर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये हम लोग सीधे आगे कास्टल में, सीधे उनके कास्टल में ये रास्ता एंटर होता है। तो ये रास्ते पे हम लोग आ तो गए, और ये सीधे उनके कास्टल में आते हैं। ये इनके नीचे भी स्टोर रूम है गाइस, यहाँ पे भी अपना सामान वो स्टोर करते हैं। और ये हम लोग ऊपर भी आ चुके हैं एंड हम लोग उनके कास्टल में एंटर कर गए हैं यहाँ से। अब हम लोग इधर साइड जाएंगे, तो ये है उनका मतलब कि ये वही विलेज के लिए है, विलेजर्स के लिए है। पीछे भी उनका बहुत बड़ा कास्टल गाइस, ये वही विलेजर्स के लिए था। और भी शायद इधर कुछ है ना गाइस, इधर बाउंड्री बन गई है, ये विलेजर्स का ही पूरा पीछे का एरिया था। और अब अंदर चलते हैं, और आपको आज सिर्फ आज की वीडियो में आपको सिर्फ कास्टल ही दिखाएंगे, तो कास्टल दिखाएंगे, अगले बार हम लोग वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस हम लोग को बाहर नहीं आना है, बाहर नहीं आना अभी, अंदर ही चलो, अंदर ही चलो एरिया गाइस जो है ये एरिया टेक्नो गेमर्स के तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे एकदम जैसे कि कहीं आग लगी तो धुआं निकलता है, वही एकदम स्टोव स्टो गाइस ये है उनका, आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है। ये है उनका रूफ, यहाँ पे गाइस आपको सामने ही दिख गया होगा गाइस, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई थिंक बीकन, बीकन गाइस उनका बीकन आपको दिख गया होगा। गाइस कितना तगड़ा बीकन बना है, नीचे पूरा आयरन ऊपर पूरा गोल का गाइस, और ये पीछे उनका पूरा विलेज, विलेजर्स का था। और हम लोग इस समय एकदम टॉप पे तो नहीं है, और टॉप पे भी जाएंगे तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इनका ऊपर से कैसे मतलब मजा आया है। बगल में इनका वॉच टावर भी है गाइस, तो ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से भी हम लोग एंटर हो सकते हैं गाइस, इसमें इतने रास्ते हैं। और गाइस ये है इनका वॉच टावर जहाँ मतलब कि वो वॉच करते हैं। एक बार गाइस जो ट्रेड पाई गई थी उनके पूरे वर्ल्ड पर, तो यहीं से उनने सबको किल किया था। तो गाइस ये कमरा पता नहीं कहा था, तो गाइस ये ऐसे ही खाली कमरा है गाइस, पता नहीं क्यों बनाया था उन्हें, ये मेरे को भी नहीं पता है। और उसके बाद से फिर हम लोग आते हैं बाहर, तो गाइस इतना ही टूर है कास्टल का। एंड बाहर आते ही वो गाइस अच्छा हुआ मैंने वो पहना हुआ था एलाइट्रा, वरना अभी तो मैं जाता। तो गाइस इतना टूर था उनके पूरे वर्ल्ड का। अभी हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग करके हम लोग बाहर जा चुके। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तो गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, मतलब कि इनके पूरे वर्ल्ड का, मतलब कि जैसे जू बनाया है इनने बहुत
कुछ टेक्नो गेमर्स ने बनाया है। तो अगर आपको उसका भी टूर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।